वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में। आज है 10 सितंबर 2019। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो आज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पर ये जो कॉर्नर में आप पहला आर्टिकल देख रहे हैं, ये चीफ जस्टिस ताहिल रमानी का भी ट्रांसफ़र किया गया है मद्रास हाईकोर्ट से मेघालय हाईकोर्ट में, जो कि उनके पद को कम करने जैसा है। बिकॉज मेघालय हाईकोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो मद्रास हाईकोर्ट से काफ़ी कम है, तो इसके विरोध में उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। आर्टिकल कोलेजियम की इस पद्धति पर जिसके ज़रिए वो अपॉइंटमेंट या फिर ट्रांसफ़र करते हैं क्वेश्चन मार्क रेस करता है। इस आर्टिकल को हमने कल डिस्कस किया था, मोर एंड लेस वही सारी बातें आज भी डिस्कस की गई हैं, तो इसे हम छोड़ेंगे। ये सेंटर का आर्टिकल अमेजन में जो आग लगी हुई थी उसके बारे में है, इस पर पहले भी चर्चा की जा चुकी है और बहुत सारा डेटा फैक्ट भी डिस्कस किया गया है, दैट्स वाई हम इसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पर यह आर्टिकल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यूएसए ने तालिबान के साथ अपनी बातचीत को कैंसिल कर दिया है, विस्तार से चर्चा करेंगे। ये आर्टिकल बात करता है रशिया इंडिया और चाइना ट्रायंगल के बारे में, अगेन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ये आइडेंटिटी के इशू पर बात करता है कि किसी भी व्यक्ति के आइडेंटिटी को आप उसकी बायोलॉजिकल या इकोनॉमिक नीड से सप्लीमेंट नहीं कर सकते, तो इस आर्टिकल पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। निबंध के परिदृश्य में या फिर ऐसे के पर्सपेक्टिव से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आर्टिकल WTO में इंडिया को एक जीत हासिल हुई है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और ये आर्टिकल ये बोलता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स को ट्रेनिंग दी जाती है मसूरी में, मसूरी एकेडमी में, उन्हें उनकी एक्टिविटीज़ के लिए या उन्हें उनके कामों के लिए थोड़ा बहुत क्रेडिट मिलना चाहिए। क्या क्या लिमिटेशंस हैं इस एकेडमी की, उस पर भी यहाँ पर चर्चा की गई है, तो इस आर्टिकल पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले आर्टिकल के साथ, गिविंग एज ओल्ड टाइज अ न्यू शाइन। यहाँ पर हम बात करेंगे इंडिया चाइना और रशिया के बीच में जो एक ट्रायंगल है जिसमें रशिया एक बैलेंसिंग रोल प्ले कर सकता है, उसके बारे में। आप इस आर्टिकल को GS पेपर 2 के इस टॉपिक से जोड़ सकते हैं। शुरुआत करते हैं, देखिए इंडिया और रशिया के बीच में जो ट्रेड के बारे में बातें चल रही हैं उसके इतर रशिया इंडिया और चाइना के रिलेशंस को बैलेंस भी कर सकता है। रशिया इंडिया और चाइना का जो ट्रायंगल है उसमें अब एक चीज़ की स्वीकृति देखने को मिल रही है कि तीन के तीनों देश यूरेशिया के फ्यूचर को लेकर जो एक शेयर्ड विज़न है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम पर्दे के पीछे जो उनकी चिंताएँ हैं वो भी दिखती हैं, सभी एक दूसरे से सावधान भी रहना चाहते हैं। US और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर है वो कहीं ना कहीं चाइना की स्थिति को और मजबूत कर रहा है कि वो अमेरिकन प्रेजेंस को काउंटर करते हुए अपनी स्थिति को यूरेशिया में और बेहतर करे। इस लिहाज से जो रशिया है वो यहाँ पर बैलेंस क्रिएट करने का काम कर सकता है, और अगर चाइना अपने आप को इसी तरीके से एसर्ट करता रहा तो जो एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ पावर है उसके लिए भी ये चिंता की बात होगी। देखिए वैसे तो रशिया और इंडिया दोनों को ही जो स्टेटस को बना हुआ है उससे फ़ायदा मिला है, दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जियोपॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन भी दोनों में देखने को मिल रहा है, लेकिन दो में से कोई भी देश ऐसा नहीं चाहेगा कि वो चाइना के गैलोपिंग रीजनल एम्बिशंस का शिकार बने। चाइना बहुत तेज़ी से पूरे रीजन में अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इंडिया दूसरी ओर काफ़ी चिंतित है क्योंकि रशिया की डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। एट द सेम टाइम रशिया भी ऐसा नहीं चाहेगा कि चाइना और इंडिया के बीच के जो संबंध हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हों, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा रशिया को इन दोनों के रिलेशंस को बैलेंस करने के लिए। इसीलिए सबसे अच्छा तो यही होगा कि ये तीनों देश आपस में कोऑर्डिनेट करते रहें। इनफैक्ट रशिया और इंडिया को तो एटलीस्ट कोऑपरेट करते ही रहना चाहिए, जहां पर ये नंबर ऑफ एरियाज़ में आज कोऑपरेट कर भी रहे हैं। तो इंडिया रशिया का कोऑपरेशन आप यहां पर देख सकते हैं, 2017 में जो बायलैटरल इकोनॉमिक टर्नआउट था उसमें 22% की बढ़ोतरी देखने को मिली, जो कि उसके पिछले साल की अपेक्षा जो कि 17% था काफ़ी ज़्यादा है। 2025 तक दोनों के बीच में जो ट्रेड है उसकी उम्मीद ये है कि वो $30 बिलियन तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर आप एक पहला इकोनॉमिक कोऑपरेशन देख सकते हैं। दूसरी बात कि अभी कुछ सालों पहले रशिया के एक ऑयल जाइंट रोस नेफ्ट ने 12.9 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट ऑयल रिफाइनरी एसर ऑयल में। इसके बाद ये उस साल का बिगेस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट था जो काफ़ी लंबे समय से फ़ायदा पहुंचा रहा है इंडिया को भी। रशिया फिजिबिलिटी पर स्टडी कर रहा है नागपुर सिकंदराबाद हाई स्पीड रेल पर कि क्या वहां काम किया जा सकता है। एट द सेम टाइम वो एनर्जी एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स पर भी विचार कर रहे हैं जो वो इंडिया में कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। चौथा पॉइंट, फरवरी 2012 में
सिबूर और रिलायंस इंडस्ट्रीज आपस में एक ज्वाइंट वेंचर ऑफ करते हैं, जिसके तहत रिलायंस सिबूर इलास्टोमीटर्स प्राइवेट लिमिटेड को जमनागर गुजरात में स्टैब्लिश किया गया। देखिए, ये इसके बाद रीजन का पहला ब्यूटिल रबर हैलोजिनेशन प्लांट बन जाएगा, जो कि आने वाले समय में ऑपरेशनल होगा। इसकी कैपेसिटी 120 KTPA किलोटन पर एनम से, ये तो बात हम कर रहे हैं ब्यूटिल रबर की, और 60 KTPA हैलोजिनेटेड ब्यूटिल रबर की, जो कैपेसिटी होगी वो इस प्लांट की होगी। अब देखिए, ये ब्यूटिल रबर या फिर हैलोजिनेटेड ब्यूटिल रबर क्या होता है, इसका इस्तेमाल गोंद की तरह भी किया जाता है, और आपने देखा होगा टायर के अंदर जो ट्यूब होता है जो काफ़ी नरम होता है वो ब्यूटिल रबर से ही बनाया जाता है। ब्यूटिल रबर या फिर जो हैलोजिनेटेड ब्यूटिल रबर है उसका इस्तेमाल मेजरली टायर की ट्यूब्स बनाने में किया जाता है, और भी कई तरीके के इसके इस्तेमाल होते हैं, तो उनका प्रोडक्शन काफ़ी वाइड स्केल पर करने का प्रयास किया जा रहा है। जो मॉस्को है वो एक की रोल प्ले करना चाहता है, और इसी दिशा में उन्होंने इंडिया की जो मेंबरशिप थी उसको संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बेट भी किया था कि इंडिया को SCO की मेंबरशिप मिलनी चाहिए, जिससे कि चाइना के डोमिनेंस कहीं ना कहीं उस ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ी कम जरूर हुई है। डिफेंस के फील्ड में भी दोनों देश आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं। रशिया लार्जेस्ट आर्म सप्लायर बना हुआ है, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्म सप्लायर है रशिया इंडिया के लिए, और अभी दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट भी साइन किया गया है कि दोनों जो US का काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट है काटसा, उसको अवॉइड करने के लिए दोनों के बीच में जो डिफेंस डील्स होंगी वो दोनों एक दूसरे की करेंसी में कर लिया करेंगे, डॉलर को अवॉइड कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा कोऑपरेशन है दोनों देशों के बीच में। इस साल के ये जो लास्ट ईयर था उसके अक्टूबर महीने में रशिया और इंडिया ने 5 बिलियन का एक एग्रीमेंट साइन किया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए, ठीक है, ये डील साइन की गई। ये एक एग्रीमेंट का पार्ट था जिसमें इंडिया रशिया ने मसौदा तैयार किया है कि 10 बिलियन तक की डिफेंस डील साइन की जाएगी। इसके इतर कामोव के 226T हेलीकॉप्टर्स के परचेज की भी बात है, प्रोडक्शन की, ज्वाइंट प्रोडक्शन की बात भी चल रही है। इसके इतर 4 एडमिरल ग्रिगोरोविक क्लास फ्रिगेट्स, देखिए जो फ्रिगेट्स होते हैं वो वॉरशिप्स होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है कई बार बड़े वॉरशिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी और फ्रंट्स पर लड़ाइयाँ लड़ने के लिए भी, तो उनको भी प्रोड्यूस करने की बात चल रही है। इसके लिए इसके इतर एक ज्वाइंट वेंचर अमेठी में उत्तर प्रदेश में स्टैब्लिश किया जाएगा, जिसके जरिए AK-203 राइफल्स तैयार किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी वाइड स्केल पर कोऑपरेशन डिफेंस के फील्ड में दोनों देशों के बीच में चल रहा है। कुछ और भी डील्स हैं जो कि अंडर वे हैं, जैसे कि इंडिया SU-30 MKI अभी परचेस करने वाला है। इसके इतर 21 MiG-29 फाइटर्स भी परचेस करने का प्लान बनाया जा रहा है। साथ ही साथ जो रशिया है वो इंडिया का जो प्रोजेक्ट 75 है इंडियन नेवी का, और इंडियन एयरफोर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है 114 फाइटर जेट्स के लिए, उसके लिए भी कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा है। तो डिफेंस के फील्ड में दोनों देशों का कोऑपरेशन काफ़ी बेहतर और अच्छा है। चाइना फैक्टर की बात करते हैं। देखिए, आवश्यकता ये है कि रशिया और इंडिया के बीच में जो कोऑपरेशन है वो बिल्डअप हो, बढ़े, लेकिन चाइना सेंटर में आता है। रशिया चाहेगा कि चाइना के साथ उसके संबंध अच्छे रहें, कारण कई सारे हैं। चाइना की GDP इंडिया से 4 गुना ज़्यादा बड़ी है, चाइना की जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो भी इंडिया से 3 गुना ज़्यादा बड़ी है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इंडिया और चाइना के बीच में जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं वो कई बार तलखी भरे हो जाते हैं, स्टैंड ऑफ भी देखने को मिलता है। इस स्थिति में रशिया चाहेगा कि दोनों के बीच में बैलेंस बना रहे और वो चाइना के साथ भी अपने संबंध स्थापित करके उसका फ़ायदा उठा सके। रशिया का जो रिलेशन इंडिया के साथ है वो परंपराओं पर आधारित है। सोवियत यूनियन के समय से ही इंडिया के संबंध बहुत अच्छे रहे थे, उसी चीज़ को इंडिया आज भी फॉलो करने का प्रयास करता है। एट द सेम टाइम इंडिया चाहता है कि वो अपने रिलेशंस को डाइवर्सिफाई करे और वो यहाँ पर अच्छी तरीके से जो अदर कंट्रीज के साथ रिलेशंस हैं उनके साथ ही साथ रशिया के साथ अपने रिलेशंस को भी बैलेंस कर पाए। 1971 में इंडिया ने रशिया के साथ, या उस समय जो USSR हुआ करता था, सोवियत यूनियन हुआ करता था, उसके साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन करी थी, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। और इसका उद्देश्य ये था क्योंकि उस समय चाइना और USA एक दूसरे के नज़दीक जा रहे थे। वैसे तो इनिशियली चाइना USSR के खेमे में था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने संबंध USA के साथ बढ़ाने शुरू कर दिए थे। उसी चीज़ को काउंटर करने के लिए USSR ने इंडिया का साथ देना शुरू कर दिया था, और उसी चीज़ को आधार बनाकर आज भी रशिया अपनी फॉरेन पॉलिसी फ्रेम करता है। रशिया ये जानता है कि इंडिया अपनी रिलेशंस को डाइवर्सिफाई करना चाहता है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से भी, और अपनी डिसीजन मेकिंग में
इंडिपेंडेंस मेंटेन करना चाहता है। दैट्स वाई अगर इंडिया यूएसए के साथ अपने संबंधों को बढ़ा रहा है तो रशिया के साथ इंडिया के संबंध बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड नहीं होंगे, क्योंकि देखिए अभी यूएस के जो सैंक्शंस हैं उसको बाईपास करते हुए दोनों देशों ने प्लान किया है कि वो एक दूसरे की करेंसी में ट्रेड कर लेंगे। स्टिल इंडिया उम्मीद कर रहा है कि व्हाइट हाउस यानी कि यूएसए इंडिया को एक वेवर दे देगा ताकि इंडिया रशिया के साथ जो डिफेंस डील है उसे आसानी से कर सके। इंडिया इस बात को एक्नॉलेज करता है कि वो जो यूएसए का सपोर्ट है वो बहुत ज़रूरी है यूएनएससी में इंडिया की परमानेंट सीट के लिए। इंडिया ये भी चाहता है कि जो पाकिस्तान और यूएसए के बीच के रिलेशंस में तल्खी आई है इंडिया उसका फ़ायदा उठा सके। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इन्हीं प्रयासों की वजह से या फिर इसी न्यूट्रलिटी की वजह से इंडिया कश्मीर में खुद को सख्ती के साथ रख भी पाया है और हमने अभी कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को भी एलिमिनेट किया इसी आश्वासन के साथ कि हमें ग्लोबल लेवल पे प्रेशर फेस नहीं करना पड़ेगा स्पेसिफिकली यूएसए का। तो कंक्लूजन में ये बात कही जा रही है, हालांकि रशिया इस बात को एक्नॉलेज करता है कि उसकी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बट वो इस बात को भी एक्सेप्ट करता है कि जो प्रेजेंट बैलेंस ऑफ पावर है यूरेशिया में उसको खतरा है चाइना के डोमिनेंस की वजह। जैसे कि रशिया खुद को बहुत ज़्यादा असर्टिव रखता है यूरोप में, लेकिन एशिया में या फिर यूरेशिया के इस रीजन में रशिया खुद को एक लिमिट से ज़्यादा असर्ट नहीं करना चाहता। इनफैक्ट वो एक मध्यस्थता करना चाहते हैं ताकि बैलेंस बना रह सके, लेकिन सच्चाई ये है कि यूरेशिया का बैलेंस ऑफ पावर स्टेक पर है। आवश्यकता ये है कि इंडिया और रशिया एक साथ मिलकर एक शेयर स्ट्रेटजी तैयार करें और ग्रेटर कोऑपरेशन के साथ इस बैलेंस को एस्टैब्लिश करें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पर कवर किया। क्वेश्चन आपके लिए मेंस का है, डू यू थिंक एमिड द रशियाज ग्रोविंग ट्रेड लिंक्स विद इंडिया रशिया कैन प्ले अ रोल ऑफ बैलेंसर इन इंडिया चाइना रिलेशंस? कमेंट करना है आपको इस क्वेश्चन को 200 वर्ड्स में। देखते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल बिलेटेड रियलाइजेशन, तालिबान के साथ जो यूएसए ने अपनी टॉक्स को कैंसिल कर दिया है उसके बारे में है। जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आप अपने इस आर्टिकल को जोड़ सकते हैं। देखते हैं आर्टिकल पर। देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसीज हमेशा से बड़ी ही अस्थिर रही हैं। वो कब क्या करेंगे किसी को समझ में नहीं आता, किसी को पता नहीं चलता। बहुत लंबे समय से वो तालिबान के साथ बातचीत करके शांति का प्रयास कर रहे थे, सडनली उन्होंने बोला कि तालिबान के साथ बातचीत अब डेड हो चुकी है। उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने तालिबान के साथ निगोशिएशंस के ख़त्म होने की घोषणा कर दी, जो कि काफ़ी लंबे समय से बातचीत चल रही थी। एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी बोला कि ये जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं इनके साथ कैंप डेविड में, कैंप डेविड रिट्रीट मैरीलैंड में एक सीक्रेट टॉक्स के तौर पे होने वाली थी, मतलब एक गुप्त बातचीत यूएसए और तालिबान के बीच होने वाली थी, लेकिन उसके पहले ही यूएसए के प्रेसिडेंट ने इस बातचीत को कैंसिल कर दिया है। ये जो ट्वीट है उसने अचानक से इस पूरी बातचीत को ख़त्म कर दिया। कम से कम अभी के लिए तो ये बातचीत ख़त्म हो ही गई है, भविष्य में क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, वो तो हमारे सामने आ ही जाएगा। मिस्टर खलीलजाद जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे यूएसए को तालिबान के साथ इस बातचीत में, उन्होंने इसके पहले ये बोला था कि इन प्रिंसिपल एक एग्रीमेंट तैयार हो चुका है तालिबान के साथ। डिटेल्स हालांकि उन्होंने रिवील नहीं करी थी। निगोशिएशन जो थे उसमें ये बातें भी निकल के आ रही थी कि यूएसए अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करेगा, साथ ही तालिबान इस बात का अश्योरेंस दे रहा था कि वो अफगानिस्तान का इस्तेमाल यूएसए के ऊपर किसी भी टेरर एक्टिविटी के लिए नहीं होने देगा। लेकिन अभी एक सुसाइड कार बॉम्बिंग अटैक किया गया काबुल में, इसी बात को संज्ञान में लेकर ट्रंप ने ऐसा कहा कि उन्होंने तालिबान के साथ अपनी बातचीत को कैंसिल किया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि तालिबान तो लगातार वहां पर अफगानिस्तान में सिविलियंस के ऊपर अटैक करता रहा है, जबकि यूएसए के साथ उनकी बातचीत कतर में चल रही थी, वो रुके तो थे नहीं। एस्टिमेट तो ये भी सजेस्ट करता है कि उन्होंने 2019 में ही अकेले 173 टेरर अटैक्स किए हैं जिसमें 13,039 लोगों की मौत हुई है। नाउ अब एक कार बॉम्बिंग अटैक से किस प्रकार से जो ट्रंप है उनकी आत्मा जाग जाती है और वो इस पूरी बातचीत को कैंसिल कर देते हैं। तालिबान लगातार इन अटैक्स को एक बार्गेनिंग चिप के रूप में इस्तेमाल करना चाह रहा था। वो चाह रहे थे कि ऐसा करके वो अफगानिस्तान की सरकार को अंडरमाइन करें और यूएसए से कुछ कंसेशंस अवेल कर लें अपनी टर्म्स पर। यहाँ पर ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आखिर इस समय ट्रंप को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें अपनी बातचीत बंद कर देनी चाहिए, उन्हें तालिबान के बिहेवियर में क्या अंतर समझ में आ गया, क्योंकि अटैक्स वो पहले भी कर रहे थे, उन्होंने फिर से एक अटैक कर दिया, तो इसमें अलग क्या हो गया। कुल मिलाकर ये जो एम्बिग्यूटी है ये दिखाती है कि ट्रंप का जो नेचर है वो इरेटिक है, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अगर यूएसए ड्यूरेबल पीस चाहता है, वो ये चाहता है कि वो अपनी ट्रूप्स को अफगानिस्तान में से निकाल ले, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब सभी अफगान ग्रुप्स के साथ मिलकर बातचीत की जाए, सभी रीजनल स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया जाए और तालिबान के साथ ये गारंटी ली जाए कि वो
टेरर को यानी कि आतंक को नीचे रखने के बाद बातचीत करेगा। ऐसे थोड़ी होता है कि बातचीत हो रही है और आप लगातार अटैक्स भी करते जा रहे हैं, बातचीत के साथ अटैक, ये तो बिल्कुल गलत सी बात है और ऐसी स्थिति में तो बातचीत पहले भी नहीं होनी चाहिए थी। खैर, अब ट्रंप की आँख हो सकता है खुल गई हो। तालिबान ने अफगानिस्तान की सरकार के साथ इंगेज होने से साफ साफ इनकार कर दिया था और इस बातचीत के बाद कहीं ना कहीं उनका हौसला बढ़ा ही है। इससे कहीं ना कहीं रीजनल स्टेबिलिटी को नुकसान हुआ है, फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हुआ है। ट्रंप को ये चाहिए था कि जो सो कॉल्ड इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट साइन हुआ था तालिबान के साथ, वो उनकी टर्म्स को पब्लिक में लेकर आते और प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ तालिबान के साथ बातचीत की जाती। ये जो बातचीत की जा रही थी ये किसी के फ़ायदे में नहीं थी, ना तो ये यूएसए के फ़ायदे में थी और ना ही अफगानिस्तान के लोगों के फ़ायदे में थी। जहां एक ओर तालिबान से बातचीत की जा रही है, दूसरी ओर वहां के सिविलियंस के ऊपर अटैक करके उनका मर्डर किया जा रहा है। तो पहले की बातचीत वास्तव में रेलेवेंट नहीं थी, अभी उसे कैंसिल कर दिया गया है। तो भविष्य में अगर ऐसी कोई बातचीत का मौका आता है तो प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ ही बातचीत की जानी चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहां पर कवर किया। एक क्वेश्चन आपके लिए मेंस का है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ अनाउंस्ड द सीसेशन ऑफ पीस नेगोशिएशंस विद द तालिबान, इन योर ओपिनियन व्हाट कैन बी इट्स पॉसिबल आउटकम्स फॉर इंडिया। एक्सप्लेन करना है आपको। देखिए, इंडिया का डायमेंशन आर्टिकल में है नहीं, हमने केवल ये बात की कि यूएसए के प्रेसिडेंट ने जो तालिबान के साथ बातचीत है उसको रोक दिया है। इंडिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है ये आपको समझना होगा और 150 शब्दों में एक्सप्लेन करना है। नाउ यहाँ पर आपको अपना टैलेंट दिखाना है, ठीक है। देखते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल सिविल सर्विसेज के बारे में है। यहाँ पर हम बात करेंगे लवासना के बारे में या फिर मसूरी जो एकेडमी है उसके बारे में। आप इसे जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से जोड़ सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। देखिए, मसूरी एकेडमी जो 60 सालों से ऑफिसर्स को प्रोड्यूस कर रही है, जो नेशनल बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस एकेडमी को कुछ क्रेडिट मिलना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे कई बार एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से भी जाना जाता है, इसे 1959 में मसूरी में एस्टैब्लिश किया गया था। इसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम सौंपा गया कि वो हायर सिविल सर्विसेज में जो ऑफिशियल्स जा रहे हैं उनको ट्रेन करें, उन्हें इस तरीके से इक्विप किया जाए नॉलेज के साथ कि वो बदलाव के लिए काम कर सकें। जो दो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, आईएएस और आईपीएस, इसके इतर जो अदर सर्विसेज हैं वो यूनिवर्सिटी सिस्टम के कुछ फाइनेस्ट माइंड्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं जिनकी एस्पायरेशन होती है सोसाइटी को कुछ बेहतर बनाने की, वो इस सर्विस की ओर अट्रैक्ट होते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं देश के डेवलपमेंट में, देश में बदलाव के लिए। मैजेस्टिक हिमालयन पीक्स जो कैंपस से आपको दिख जाएंगी, वो बताते हैं कि जो रिक्रूट्स हैं उनके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, रेक्टिट्यूड होना चाहिए और एक्सेलेंस होना चाहिए। एकेडमी 1960 में एक कॉमन फाउंडेशन कोर्स के साथ आती है, जिसका उद्देश्य ये था कि जब सभी लोग एक बैच के एक साथ ट्रेनिंग लेंगे तो उनके बीच में एक मित्रता हो जाएगी, सभी लोग भविष्य में एक साथ जुड़कर देश में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है आईएएस के लिए, वो फाउंडेशन कोर्सेज के जरिए ऑल इंडिया और अदर सेंट्रल सर्विसेज के लिए लोगों को ट्रेन करता है। पिछले 6 दशकों में कई तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन हमारे देश ने देखे हैं और इसीलिए कई बार ऐसी आवश्यकता भी महसूस हुई कि अकेडमी की फंक्शनिंग में भी बदलाव किया जाए। इसी आधार पर इन चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए इस एकेडमी ने लगातार खुद को अपग्रेड किया है, खुद में बदलाव किया है। ये बदलाव कैसे रहे, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, कंटेंट और ट्रेनिंग की मेथडोलॉजी, उसमें लगातार बदलाव होता रहा है डिमांड के मुताबिक। 1969 में एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम इनिशिएट किया गया, दैट वॉज डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि उसके बाद से अभी तक लगभग ज्यों का त्यों चल भी रहा है। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये आपकी फॉर्मल ट्रेनिंग के बाद 1 साल का पीरियड होता है, जिसमें आपको प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन कि आप देखकर और करकर सीखें, इसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट्स में भेज दिया जाता है। वेरियस डिपार्टमेंट्स में आप जाकर उनकी फंक्शनिंग को समझते हैं, उनका टाइम पीरियड होता है, किसी डिपार्टमेंट में आप 6 हफ्ते, किसी में 9 हफ्ते, किसी में 12 हफ्ते जाकर वहाँ की फंक्शनिंग को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा बदलाव था जो मसूरी एकेडमी ने खुद में किया था। दूसरी बात, अगर कोई आईएएस ट्रेनी अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करता है तो उसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के जरिए, जो कि न्यू दिल्ली में है, एमए की डिग्री पब्लिक मैनेजमेंट में ग्रांट कर दी जाती है। देखिए, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ग्रेजुएशन के जस्ट बाद इस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं और वो सेलेक्ट भी हो जाते हैं,
देन उनके पास मास्टर्स की डिग्री होती नहीं, तो मास्टर्स की डिग्री उन्हें इस ट्रेनिंग के कंप्लीट होने के बाद मिल जाती है। ये एक नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो सकती है। तीसरी बात कि एकेडमी एक मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कंडक्ट करती है ऑफिसर्स के लिए। जो लोग सर्व कर रहे हैं उनकी जॉब रिक्वायरमेंट के मुताबिक उन्हें ट्रेन किया जाता है ताकि वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन बेहतर तरीके से दे सकें। चौथा पॉइंट, एकेडमी के पास 5 स्पेसिफिक हाउसेस हैं जो अलग अलग फील्ड में जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको ट्रेन करते हैं, दैट इज़ रूरल स्टडीज, डिजास्टर मैनेजमेंट, जेंडर, पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट एंड लीडरशिप डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटेंसी असेसमेंट। इन 5 फील्ड्स में जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको ट्रेन किया जाता है। कारगिल रिव्यू कमेटी ने ये बोला था कि एक ज्वाइंट सिविल मिलिट्री प्रोग्राम होना चाहिए। 2001 में इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी, तो 2001 के बाद से ही एक ज्वाइंट सिविल मिलिट्री प्रोग्राम होता है जिसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं उनकी मुलाकात करवाई जाती है, जो वेरियस हमारे CRPF की फोर्सेस हैं या फिर जो अदर एयर फोर्सेस हैं, नेवी हैं, उनके ऑफिशियल्स के साथ, उनके मेंबर्स के साथ, ताकि दोनों एक साथ मिलकर सिनर्जाइज तरीके से वर्क कर सकें और इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को और स्ट्रांग और स्ट्रेंथन किया जा सके। तो आपने देखा कि इस एकेडमी ने अपनी फंक्शनिंग में या अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन में समय समय पर काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। फिर भी ये एकेडमी कई तरीके की लिमिटेशंस फेस कर रही है। पहली बात कि ऑफिशियल्स को यहाँ बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन किया जाता है, स्टिल जब वो सर्विस में जाते हैं तो करप्शन में इंडल्ज पाए जाते हैं। उनकी फंक्शनिंग, उनका परफॉर्मेंस एक मूट क्वेश्चन रेज करता है, कहीं ट्रेनिंग में कोई कमी तो नहीं रह जा रही। इसके इतर मसूरी में जो ट्रेनिंग इम्पार्ट की जाती है और जहाँ जिस तरीके से जाकर वो लोगों को सर्विस देते हैं उसमें कई बार कोरिलेशन में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यहाँ पर दोनों के बीच में एक सिनर्जी होनी चाहिए, उस चीज़ की कमी अक्सर हमें देखने को मिलती है। मसूरी में तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है लेकिन जब सिविल सर्वेंट्स निकल कर आते हैं, ग्राउंड लेवल पे काम करना शुरू करते हैं, तो वो चीज़ वहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होती। दूसरी चीज़, कोई सीरियस अटेम्प्ट आज तक किया नहीं गया है कि जो ट्रेनीज हैं या ऑफिसर्स हैं जिन्होंने वेरियस प्लेसेस पर सर्विस देकर कुछ एक्सपीरियंस गैदर किया है, उनके एक्सपीरियंस को स्कॉलरली जनरल में पब्लिश किया जाए ताकि जो अन्य लोग हैं वो उन एक्सपीरियंसेस का फ़ायदा उठा सकें। इसका प्रयास नहीं किया गया है, ये भी एक लिमिटेशन रही। तीसरी बात कि जो 5 नेशनल सेंटर्स हैं उनका आउटपुट क्या निकल के आ रहा है, वहाँ लोगों को ट्रेन किया जाता है तो वो उन वेरियस फील्ड्स में जाके कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, इसका कोई असेसमेंट अभी तक नहीं किया गया, कोई रिसर्च इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं करी गई। एकेडमी को खुद को एक पोटेंशियल थिंक टैंक के रूप में इमर्ज करना होगा कि वो सिविल सर्विसेज रिफॉर्म में कंट्रीब्यूट कर सकें, और एकेडमी अभी तक इस दिशा में भी कुछ खास नहीं कर पाई है। तो कुछ लिमिटेशंस हमने देखी। इसके अंदर कुछ और भी चैलेंजेस हैं, जैसे कि सिविल सर्वेंट अक्सर इस बात से अवगत रहते हैं कि लोग ब्यूरोक्रेसी के ऊपर नाराज हैं, दैट टू अनवैलिड रीजंस, लेकिन वो उसके लिए कुछ कर नहीं पाते। पॉलिटिशियंस अक्सर ब्यूरोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते रहते हैं और जो कोर्स ऑफ डेवलपमेंट है उसको ब्लॉक करते रहते हैं। तीसरी बात कि हाल के दिनों में देखा गया है कि मिनिस्टर्स अपने किए गए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं होते और अपने डिसीजंस को भी वो ब्यूरोक्रेट्स पर डाल देने का प्रयास करते हैं अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो। चौथी बात कि ऑफिशियल्स की रिपुटेशन को लगातार टार्निश करने का प्रयास किया जाता है, कई बार उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की जाती है। अगर कोई सिविल सर्वेंट है, अच्छे से काम करता है, ब्राइब नहीं लेता और किसी की अनइवन बातों को या फिर गलत बातों को स्वीकार नहीं करता तो उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करी जाती है, षड्यंत्र रचा जाता है या उसे किसी करप्शन के केस में फंसा कर उसकी जो इमेज है उसको टार्निश करने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसे केसेस भी लगातार आते रहते हैं। पांचवी बात, सिविल सर्वेंट्स को चाहिए कि अपनी इंटीग्रिटी और एफिशिएंसी को मेंटेन करते रहें। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि वो आज एक बहुत ही बड़े पावर प्ले और करप्शन को हैंडल कर रहे हैं जो सोसाइटी में हर तरफ बिखरा हुआ है। तो ये 5 चैलेंजेस आपके सामने हैं जो आज सिविल सर्वेंट फेस करते हैं। तो अंत में कंक्लूजन में ये बोला गया है कि माना कि आइडियलिज्म के रूप में जो वर्च्यू है उसका पतन हो रहा है, लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे इंस्टेंसेस हमें देखने को मिलते हैं जहां पर सिविल सर्वेंट्स अपने रोल को न्यूट्रलिटी के साथ प्ले कर रहे हैं। वो अपने कर्तव्यों पर अडिग हैं और ये जो वैल्यूज़ हैं वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई हैं। इसीलिए मसूरी की जो एकेडमी है उसके लिए इस एकेडमी को कुछ क्रेडिट जरूर मिलना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहां पर कवर किया। देखते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल WTO में इंडिया की एक छोटी सी जीत के बारे में है जिस पर आइए हम चर्चा करते हैं। GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आप इस आर्टिकल को जोड़ सकते हैं। देखिए, ट्रेड बॉडी ने अभी एक रूलिंग दी है WTO की ओर, जिक्र किया जा रहा है ट्रेड बॉडी को इंडिकेट करते हुए कि जो रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में USA के कई सारे स्टेट्स इंसेंटिव ऑफर करते हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी है। जजमेंट इंडिया के लिए वेलकमिंग है। WTO के एक पैनल ने जून में इंडिया के इस क्लेम को एक्सेप्ट किया कि USA के जो रेगुलेशंस हैं डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट को लेकर
रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में वो डिस्क्रिमिनेटरी हैं। डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर यूएसए की बात कर लेते हैं, यूएसए में कोई कंपनी सोलर इक्विपमेंट तैयार कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कुछ प्रोडक्शन कर रही है, तो वहाँ के लोकल मार्केट से उन्हें कंटेंट इस्तेमाल करना होगा सर्टेन परसेंटेज में। मान लीजिए फिक्स कर दिया गया 60%, तो 60% कंटेंट लोकल होना चाहिए। आप केवल 40% ही जो इम्पोर्टेड कंटेंट है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे वो कंट्रीज जो उस प्रोडक्ट को दूसरे देशों में इम्पोर्ट करती हैं उनके हित खतरे में पड़ जाते हैं। तो डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट का मतलब आपने समझ लिया। इसी आधार पर इंडिया ने केस किया था यूएसए के ऊपर कि यूएसए ने डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट का जो मैकेनिज्म कई सारे स्टेट्स में इंप्लीमेंट किया हुआ है वो इंडिया के हितों को खतरा पहुंचाता है। न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया ऐसे ही एक सिमिलर केस को पहले हार चुका है। जब इंडिया ने ऐसी डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट का मैकेनिज्म ऑप्ट किया था तो इंडिया के खिलाफ केस किया गया था। इंडिया डब्ल्यूटीओ में इस केस को हारा भी था। फिर इंडिया को मौका मिला तो इंडिया ने भी यूएसए के खिलाफ सेम केस कर दिया। यहां पर इसके पीछे के कारणों को जानना आवश्यक है कि आखिर डब्ल्यूटीओ ने इंडिया को फेवर करते हुए डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स के मुताबिक यूएसए की इन गतिविधियों को डब्ल्यूटीओ नॉर्म्स के खिलाफ क्यों बताया। देखिए, डिस्प्यूट यूएसए के कुछ स्टेट्स के सराउंड रिवॉल्व करता है जहां पर वो लोकल प्रोड्यूसर्स को कुछ इंसेंटिव देते हैं। टैक्स रिबेट के फॉर्म में उनसे कम टैक्स लिया जाता है, या फिर वो जो पैसा पे करते हैं उसे रिफंड किया जाता है, या उनको कुछ आसान क्रेडिट या लोन दिया जाता है ताकि वो जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें उसमें लोकली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। जो डब्ल्यूटीओ जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड का मैकेनिज्म है, जो गैट है, उसका आर्टिकल 3 ये बोलता है कि कोई भी देश लाइक प्रोडक्ट्स के लिए अपने प्रोड्यूसर्स को इस तरीके से इंसेंटिव नहीं दे सकता कि किसी अन्य देश के लाइक प्रोडक्ट डिसइंसेंटिवाइज हो जाएं। अब लाइक प्रोडक्ट्स का क्या मतलब होता है, एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। सपोज करिए यूएसए एक पेन बनाता है, ठीक है, और बिल्कुल वैसा ही पेन जो है वो इंडिया भी बनाता है। पेन का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल वैसा ही है, जो उसमें स्याही इस्तेमाल की जाती है, रिफिल इस्तेमाल की जाती है, वो भी सेम ही है, और उनका इस्तेमाल भी लिखने के लिए ही किया जाता है। तो वो पेन जो यूएसए में बनता है और वो पेन जो इंडिया में बनता है उन्हें लाइक प्रोडक्ट माना जाएगा। और अगर यूएसए अपने देश में बनाए गए पेन को इंसेंटिवाइज करता है तो ये डब्ल्यूटीओ के नियम के खिलाफ होगा, क्योंकि आप अपने देश में किए गए किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को इंसेंटिवाइज इस तरीके से नहीं कर सकते कि बिल्कुल उसी प्रोडक्ट को अगर कोई और देश तैयार कर रहा है तो उसके हित खतरे में पड़ जाएं। डब्ल्यूटीओ इस बात को डिटरमाइन करता है कि लाइक प्रोडक्ट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। एक क्वेश्चन अब ये रेज हो सकता है कि ऐसे कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट लाइक प्रोडक्ट है और कौन सा नहीं है। यहाँ पर एग्जांपल सोलर फोटोवोल्टिक सेल मैन्युफैक्चर जो यूएसए में किए जाते हैं उनका एग्जांपल लिया गया है। वो कई तरीके के आधारों पर ये डिसाइड करते हैं कि कोई प्रोडक्ट लाइक प्रोडक्ट है या नहीं है। उस प्रोडक्ट का कंपोजिशन क्या है, उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या है, और टैरिफ का क्लासिफिकेशन क्या है। ऐसे कई सारे आधारों पर किसी प्रोडक्ट को लाइक प्रोडक्ट डिक्लेयर किया जाता है। कंक्लूजन में ये बोला गया है कि अंतिम रूप में यूएसए ने इस बात को स्वीकार किया कि जो प्रोडक्ट्स या जो फोटोवोल्टिक जो सेल्स हैं वो तैयार किए जा रहे हैं इंडिया के द्वारा, वो यूएसए के द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट्स के लाइक प्रोडक्ट्स हैं, और इसीलिए जो इंसेंटिव वहाँ के रेस्पेक्टिव स्टेट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं वो इंडियन गुड्स को निगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। डब्ल्यूटीओ के ये नॉर्म्स जो हैं उनको वो वायलेट करते हैं। हालांकि विकल्प होगा यूएसए के पास कि यूएसए अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाकर डब्ल्यूटीओ की इस रूलिंग के खिलाफ केस कर सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पर कवर किया। देखते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल ऐसे के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सेंटर में जो एक मुद्दा है दैट इज ऑफ आइडेंटिटी, जिस पेपर 4 में एथिक्स में भी ये टॉपिक काम आ जाएगा। टाइटल है डेवलपमेंट मैटर्स बट सो दस आइडेंटिटी। डेवलपमेंट महत्वपूर्ण है लेकिन आइडेंटिटी भी महत्वपूर्ण है। कश्मीर को बैकग्राउंड में रखकर आर्टिकल लिखा गया है। यहाँ पर आप एक बात का ध्यान दीजिएगा कि इस आर्टिकल में जो भी बातें बताई गई हैं वो राइटर की हैं और मैं उन्हीं बातों को ज्यों का त्यों एक्सप्लेन कर दूंगा। अपनी ओर से मैं इस आर्टिकल में कुछ भी ऐड नहीं करूंगा। राइटर का ये विचार है कि फेडरल सिस्टम को इस तरीके से डिस्टर्ब करना कि लोगों की आइडेंटिटी खतरे में पड़ जाए, ये कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकती है। कई बार ऐसा क्लेम किया जाता है कि एक सामान्य व्यक्ति को क्या चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर उसका आर्थिक विकास हो जाए तो वो अपनी आइडेंटिटी के इशू को किनारे कर देगा। ऐसा ना केवल कुछ मटेरियलिस्टिक थियरीज में पाया जाता है बल्कि कई सारे सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट के लीडर्स भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। एग्जांपल नेहरू जी का ले लीजिए। नेहरू जी का ऐसा मानना था कि अगर इकोनॉमिक प्रोग्रेस देश में हो जाए तो लोग रिलीजियस आइडेंटिटी को किनारे कर देंगे और कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट इंडिया में गायब हो जाएंगे। लेकिन राइटर इस बात पर सहमत नहीं है और वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो सरकार ने कदम उठाया है, वहाँ की जो
आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया गया है, वो वहाँ के लोगों की आइडेंटिटी को हिंडर करता है। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट का ओपिनियन है वो जवाहरलाल नेहरू के ओपिनियन से ही मिलता जुलता है कि हम वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर देंगे और लोग अपने आइडेंटिटी की इशू को किनारे कर देंगे, जैसे कि कश्मीर के लोगों को इकोनॉमिक पैकेज दे देना, उनको ज़्यादा जॉब के प्रॉस्पेक्ट्स दिखाना, उनको अच्छा हेल्थ केयर देना, उनको हाई क्वालिटी कंजम्पशन गुड्स प्रोवाइड करवाना। सरकार को ऐसा लगता है कि अगर वो ये सारी फैसिलिटीज़ उनको देंगे तो अपनी स्पेसिफिक आइडेंटिटी को अवॉइड कर देंगे। समझने वाली बात यह है कि आइडेंटिटी सबसे ज़्यादा मिसयूज्ड और अब्यूज्ड कॉन्सेप्ट है। हम इसे अक्सर मिसअंडरस्टैंड करते हैं, इसके सिग्निफिकेंस को नहीं समझते, इसे गलत तरीके से पॉलिटिसाइज किया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है, एक बात ध्यान से समझनी चाहिए। इस बात से तो आप सभी लोग सहमत होंगे कि जो बायोलॉजिकल क्रिएचर्स होते हैं उनको कुछ बेसिक मटेरियल नीड्स होती हैं। लेकिन इसके इतर हम देखिए, बायोलॉजिकल क्रिएचर तो हैं कुछ मटेरियल नीड्स के साथ, लेकिन हम एक्सप्रेसिव क्रिएचर भी हैं। हम इमेज बनाते हैं, स्टोरीज बनाते हैं, कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया इमेजेस से सैचुरेटेड है, भरी पड़ी है, मिथ्स स्टोरीज एंड फिलोसफीज से भरी पड़ी है, क्योंकि हम बायोलॉजिकल क्रिएचर्स से थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा ऊपर हैं। इसीलिए हम एक ऐसी लाइफ अगर जीने का प्रयास करें जिसमें हमारे पास कोई कल्चरल फ्रेमवर्क ना हो, कोई एथिक ना हो, तो ये जीवन हम अच्छी तरीके से जी नहीं पाएंगे, हम अपनी लाइफ को मीनिंगफुल नहीं बना पाएंगे। कोई भी व्यक्ति बिना एक ऐसी कम्युनिटी के नहीं जी सकता जो एथिकल फ्रेमवर्क वो फॉलो करता है, वही उस कम्युनिटी के लोग भी फॉलो करते हों। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है, कोई व्यक्ति अकेले नहीं जी सकता, हर व्यक्ति को एक कम्युनिटी चाहिए जो उसके जैसे विचार रखती हो, सोचती हो, वही फ्रेमवर्क ऑप्ट करती हो जो वो ऑप्ट करता है। इस लिहाज से आइडेंटिटी कल्चर और एथिकल फ्रेमवर्क में बसी हुई है और ये हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अकेले इस मुद्दे की कमी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के तौर पर टैगोर जी का जो सॉन्ग है वो लगभग हर मिडिल क्लास बंगाली घरों में सेम महत्व रखता है। मुर्गन देवता की जो पूजा है वो तमिल फैमिलीज में वही महत्व समान रूप से रखती है। जो मोहम्मद साहब के अवशेष हैं जो हजरतबल में हैं वो कश्मीरी मुस्लिम्स के लिए एक समान रूप से महत्व रखते हैं, और एसमीज के लिए कामाख्या टेम्पल एक समान रूप से महत्व रखता है। इसीलिए वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इस कल्चरल सिग्निफिकेंस की वजह से जो उनकी आइडेंटिटी को डिपिक्ट करता है। देखिए, यहाँ पर यह बात भी सच है कि जो आइडेंटिटी रिलेटेड इश्यूज हैं वो लोगों के मन में डर पैदा करते हैं, स्पेसिफिकली तब जब उनकी आइडेंटिटी खतरे में पड़ जाए। ऐसा होता क्यों है, आखिर लोग आइडेंटिटी के लिए इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते क्यों हैं? ऐसा खतरा तब उत्पन्न हो जाता है जब लोग ऐसा मानने लगते हैं कि जो आइडेंटिटी है वो बदल नहीं सकती, जब वो ऐसा मानने लगते हैं कि उनकी आइडेंटिटी पे कोई क्वेश्चन मार्क रेज नहीं किया जा सकता, उनकी आइडेंटिटी एक सिंगल और परमानेंट सोर्स से डराइव करती है, जबकि ऐसा होता नहीं है। आइडेंटिटी लगातार बदलती रहती है, आइडेंटिटी पर क्वेश्चन मार्क रेज किए जा सकते हैं, और आइडेंटिटी किसी एक सोर्स से निकल के नहीं आती बल्कि टाइम एंड स्पेस के दौरान वो लगातार बदलती रहती है। लेकिन लोग इन बातों को मानकर अपनी आइडेंटिटी के लिए मरने और मारने को तैयार हो जाते हैं। इन कंक्लूजन्स के जरिए हम इस चीज़ को तो समझ सकते हैं कि आइडेंटिटी का इशू कई बार काफ़ी समस्या पैदा करने वाला हो सकता है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, आइडेंटिटी को लेकर जो लोगों के मन के भाव हैं वो किस प्रकार से गलत हो सकते हैं, उसे सही करने के लिए क्या किया जा सकता है या क्या ज़रूरी बातें हो सकती हैं? पहली बात तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि जो आइडेंटिटी है वो बिलीफ, फीलिंग और वैल्यूज़ पर डिपेंडेंट करता है जो हमें बचपन से दिए जाते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो हम सेल्फ रिफ्लेक्सिव हो जाते हैं, हम चीज़ों को समझने लगते हैं, चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन रेज करने लगते हैं। कई बार तो हम अपनी आइडेंटिटी को रिवाइज करते हैं और कई बार तो उसे रिजेक्ट भी कर देते हैं। यहाँ पर हमें अपनी आइडेंटिटी को एक सीमा तक सहना तो ज़रूर चाहिए, लेकिन ये नहीं मान लेना चाहिए कि हमें जो आइडेंटिटी बचपन से दे दी गई है वो बदली नहीं जा सकती, कई बार वो बदली जा सकती है। दूसरी बात कि देखिए, हम जब जैसे जैसे सोसाइटी में एंटर करते हैं तो अलग अलग ग्रुप्स के साथ हम इंगेज करना शुरू करते हैं, और उनके साथ जब हम इंगेज करते हैं तो हम कई तरीके की सोशियो कल्चरल फ्रेमवर्क के कांटेक्ट में आते हैं। इसीलिए जब हम मल्टीपल सोशियो कल्चरल फ्रेमवर्क के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारी आइडेंटिटी भी मल्टीपल हो जाती है, हम किसी सिंगल सोर्स के सिंगल आइडेंटिटी पे नहीं बने रहते, ठीक है। इसीलिए देखिए, सच्चाई तो ये है कि कोई भी व्यक्ति अकेले सर्वाइव कर नहीं सकता, हमें एक वाइड स्केल पर सोसाइटी की आवश्यकता होती है जो कि कई तरीके के आइडेंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करती हो। तो सोशियो कल्चरल फ्रेमवर्क में जब हम अलग अलग आइडेंटिटीज़ के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो हमारी भी मल्टीपल आइडेंटिटी हो जाती है, ये तो दूसरी बात हुई। तीसरी बात कि आइडेंटिटी किसी एक सोर्स से नहीं आती
बल्कि वो मल्टीपल सोर्सेस से आती है। हम किसी और का नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। आज से 3000 साल पहले जो पूरा नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है, जिसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान आ जाता है, उन्हीं लोगों की तरह जम्मू कश्मीर के लोग भी वैदिक कल्चर फॉलो किया करते थे। उसके बाद ग्रीक्स आते हैं और वो उनके प्रभाव में आ जाते हैं। लेटर वो गौतम बुद्ध की टीचिंग से भी प्रभावित होते हैं। जब फर्स्ट मिलेनियम सी आता है, यानी कि फर्स्ट एडी आता है, तो ये पूरा कश्मीर का रीजन सैविज्म के प्रभाव में आ जाता है, शैव धर्म के प्रभाव में आ जाता है। उसके बाद जो सूफी सेंट थे उनका प्रभाव इस रीजन में देखने को मिलता है, और अंतिम तौर पर जो मॉडर्न इस्लाम है वो कश्मीर में अपना प्रभाव बनाता है। आप समझ सकते हैं कि कश्मीरी लोगों की कोई सिंगल आइडेंटिटी नहीं है, कोई सिंगल सोर्स ऑफ आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि वो मल्टीपल आइडेंटिटीज से आज अपनी इस वर्तमान स्वरूप में आए हैं। तो आइडेंटिटी को लेकर इतना ऑब्सेस्ड होना, या फिर ये मान लेना कि उनकी आइडेंटिटी बदल नहीं सकती और उसके लिए मरने मारने को तैयार हो जाना, ये एक गलत चीज़ होगी। कंक्लूजन में ये बोला गया है, हालांकि अंतिम रूप में, कि जो वर्तमान में सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो स्टेट्स को ये जिम्मेदारी सौंपती हैं कि वो लोगों के मटेरियल वेलफेयर के साथ साथ उनकी आइडेंटिटीज़ को भी सिक्योर करें। एक डिसेंट फेडरल सिस्टम लोगों को पॉलिटिकल ऑटोनॉमी देता है कुछ इस तरीके से कि जो कल्चरल ग्रुप्स हैं वो अपने हितों को सुरक्षित रख सकें। वो एक कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के लिए वर्क तो करते हैं, लेकिन जो रीजनल कल्चर है उसे सबड्यू नहीं किया जाता, उसे दबाया नहीं जाता। राइटर अंत में बोलते हैं कि किसी भी फेडरल अरेंजमेंट में यूनिटी के एक सिंपल से आइडिया के लिए लोगों की आइडेंटिटी को स्टेक पर लगा देना एक स्मार्ट थिंग नहीं है। यहाँ पर हमारा ये आर्टिकल समाप्त होता है और हमारा आज का ये सेशन भी समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।